वालेकुम दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आप भाइयों को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके लिए जो अमल लेके आया हूँ, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया कि अमल भाई ऐसा आप अमल अपलोड करें जिसमें ज़ेर ज़मीन दफन खजानों का पता चल सके, ज़मीन के अंदर जो भी दफन खजाने या जो भी कीमती दातें हैं उनके बारे में मालूम करने के लिए ये अमल है। बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। सबसे पहले तो जिस दिन आपने अमल करना है, आपने ये नक्श बनाने हैं, दो ये नक्श देख लें आप, ठीक है। ये वीडियो को रोक के इसकी साफ तस्वीर आप ले सकते हैं, ठीक है। ये नक्श बनाना है आपने। अब ये नक्श बनाना कैसे है, आपने जिस दिन भी आप अमल करना चाहें कर सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है। ये नक्श आपने बनाना है, आपने एक उल्लू परिंदा देखा होगा, आपने उल्लू परिंदा हासिल कर लेना है, ठीक है। उल्लू परिंदा हासिल करने के बाद आपने उसको ज़िबा करना है, उसका खून आपने ज़ाया नहीं होने देना, उसके खून के साथ आपने ऐसे करना है कि ये दो नक्श बनाने हैं, ठीक है। दो नक्श बना लिए, एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर दो नक्श जब आपने बना लिए, और उसके सारे आपने पर जो है ना आपने वो संभाल के रखने हैं। कम से कम तीन पर होने चाहिए आपके पास, ठीक है। बाकी आप बेशक उसको ज़ाया कर दें, खून और तीन पार आपको चाहिए। ये जब आपने कर लिए, फिर आपने दिन के वक्त ऐसे करना है कि ये सारा काम करना है, उस रात को आपने चले जाना है कब्रिस्तान, ठीक है। ये नक्शे तावीज़ लेके आपने कब्रिस्तान जाना है। कब्रिस्तान जाके आपने एक तावीज़ को, जो दो तावीज़ हैं, एक आपने अपने पास रखना है, अपने बटुए में रख लें या अपनी जेब में डाल के रखें, उसको आपने अपने आप से अलग नहीं करना जितने दिन अमल करना है। नहाते टाइम सिर्फ आप उसको अलग कर सकते हैं। ये एक तावीज़ आप उसको ऐसे फोल्ड करना है, आपने ये आपने कब्रिस्तान चले जाना है। फोल्ड करके आपने एक मिट्टी का बर्तन लेना है, ठीक है। मिट्टी का आपने ऐसा बर्तन लेना है, इस तरीके का नया बर्तन लेके उसमें आपने इस तवीज़ को डालना है। तवीज़ को डाल के उसको आपने उसका मुंह बंद करना है ढक्कन दे के, और उसको काले कपड़े में लपेटना है, काले कपड़े से इसको बंद करके अच्छे से, ताकि इसके अंदर से गिरे ना, इसके अंदर मिट्टी ना जाए। आपने जाना है कब्रिस्तान, वहाँ पर कब्र आपने ढूंढनी है किसी मर्द की, उसके पांव वाली साइड से मिट्टी हटा के उसके अंदर इसको दफन करना है, और उसके ऊपर आपने एक पर जो लुक है वो आपने उसका जला के उसकी राख वो आपने जो है वापस आ जाना है। दूसरी रात फिर जाना है आपने उसी टाइम को ही, ठीक है, उसी टाइम को आपने जाके दोबारा से वहाँ पे जिधर आपने इसको दफन किया था वहाँ जाके आपने इसके ऊपर फिर जो है जलाना है एक पर और वापस आ जाना है। तीसरी रात भी ऐसे ही करना है आपने। पहले जो है तीसरी रात पहले आपने पर नहीं जलाना, पहले आपने ऐसे करना है कि ये आपने जो आपने ये मिट्टी का बर्तन दफन किया ये आपने निकालना है, उसके अंदर से वो तवीज़ निकालना है, जो तवीज़ आपके पास है वो तवीज़ इसमें डालना है, और ये वाला तवीज़ निकाल के आपने अपने पास रखना है, इसको फिर आपने वहीं पे दफन करना है, और उसके ऊपर तीसरा पर जला के आपने फिर वापस आ जाना है, और ये जो तवीज़ होगा ना ये आपने अपने पास रखना है। अब जहाँ पे आपको ये आपका अमल पूरा हो जाएगा, जहाँ पे आपको लगे ना कि अब यहाँ पे खजाना है, या आपको कुछ शक हो, या आप कुछ करना चाहते हो कि मालूम करना चाहते हो कि यहाँ पे कुछ है कि नहीं, वहाँ आपने जाना है, इसको अपने बाएं हाथ में पकड़ना है इस तरीके से, इस तवीज़ को, ठीक है। इसको आप जो है बाएं हाथ में पकड़ेंगे, और अगर ये तवीज़ गर्म होना शुरू हो गया समझ लें कि वहाँ पे कुछ है, और इस तवीज़ के ज़रिए एक मोक्कल की आवाज़ भी आपके कान में आएगी, जहाँ पे कुछ हुआ तो वहाँ पे दो निशानियाँ होंगी, एक तो ये तवीज़ गर्म होना शुरू हो जाएगा, दूसरा ये है कि आपके कान में आवाज़ आएगी कि यहाँ पे ख़जाना है, इस जगह से आप इसको खोद कर निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आपका अमल काम करेगा। जब इस्तेमाल ना करना हो तो इसको जेब में रखें। बहुत ही लाजवाब अमल है, लेकिन अमल काम तब करेगा जब आप इजाज़त लेंगे। इजाज़त लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, और मेरे नंबर पर मैसेज कर देना, आपको इजाज़त मिल जाएगी। इसके अलावा ये तवीज़ बना हुआ आप हमसे भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी काम है, जायज़ है नाजायज़ है, तलाक का, शादी का, मंगनी का, रिश्ता तोड़ना है, जोड़ना है, गर्ज़, ये दुनिया जहान का कोई भी काम है, गारंटी से करवाने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।